हिंदूवादी संगठन द्वारा महाकाल मंदिर में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर पारस जैन के नाम ज्ञापन दिया गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बुधवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री व वर्तमान भाजपा विधायक पारस जैन के घर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर में व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर विधायक पारस जैन को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हिंदूवादी नेता रुपेश ठाकुर ने बताया कि महाकाल मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ के प्रशासक गैर हिंदू हैं, जो कि परंपरा के विपरीत है, इसलिए सबसे पहले प्रशासक बदला जाए। इसके साथ ही महाकाल मंदिर में ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारियों को महीने में 5 दिन का अवकाश दिया जाए। साथ ही चिंतामन रोड स्थित महाकाल मंदिर की गौशाला में कुछ दिन पहले हुई गायों की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और नारेबाजी की। वहीं विधायक पारस जैन ने कहा कि उन्हें महाकाल मंदिर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे वह गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। देखिए, हमारा विषय है कि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जो भावना के साथ जो महाकाल मंदिर के अंदर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैंने 4 मांगों को लेकर जो मेरे नेता हैं आदरणीय पारस जी जैन साहब, उनसे निवेदन किया है कि हमारी हिंदुओं की सरकार है तो एक तो गैर हिंदू प्रशासक नहीं होना चाहिए। वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, और आपने देखा होगा, मेरे से आप जानते हैं क्योंकि आप भारत का चौथा स्तंभ हैं, आपने देखा हो क्या प्रशासक ने कभी अपने जोड़े के साथ मंदिर के अंदर पूजन किया? नहीं किया। क्या सवारी के अंदर बाबा महाकाल की पालकी का पूजन किया? नहीं किया। और वहाँ पे भी एक बड़ा तगड़ा खेल चल रहा है जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हुए रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का खेल चल रहा है, वो भी एक गैर हिंदू है। उस अश्लीलता के लिए मैंने माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता मेरे पारस जी जैन साहब से मैंने निवेदन कर दिया है। और तीसरी हमारी मांग है माननीय प्रशासन से, जो महिलाएं जो काम कर रही वहाँ पे, उनको 5 दिन की छुट्टी दी जाए। हिंदू संगठन के लोग 50-100 जने मेरे को ज्ञापन देने आए हैं। जो गौशाला है, गौशाला के अंदर कुछ गायें हैं मर गई थी, उसके बारे में भी, और उनका कहना कि जो प्रशासक है उसको भी हटा के दूसरे प्रशासक को लगाया जाए। महाकाल की जो व्यवस्था है पहले से ठीक व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मैं ज्ञापन लिया है, मैं कलेक्टर से भी बात करूँगा और इसको आगे भी भेजूँगा।